नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको काफी अच्छा बोनस भी देता है, डिविडेंड भी काफी अच्छा देता है। तो मुख्य रूप से पर्पस है डिविडेंड का, और साथ ही साथ ये जो अभी डाउन साइकिल में है और अब जाएगा ये अप साइकिल में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अप साइकिल में जाएगा तो एक दिन में आपको 10-10% से भागता हुआ ये नजर आएगा स्टॉक्स। ये स्टॉक्स 600 रुपये का हुआ करता था, अभी आपको मात्र 300 रुपये के आसपास मिल रहा है, और इसका जो फेयर वैल्यू है, जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, वो 800 रुपये निकल कर आता है। तो समझ सकते हैं अभी जो डाउन साइकिल में है तो इसका प्राइस आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है, साथ साथ मार्केट भी काफ़ी नीचे गिरा हुआ था जिसके कारण ये स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे गिरा। और उसके बाद ये जो अप साइकिल में अब जाएगा तो यहाँ से इसका 300 रुपये से 800 रुपये तक जा सकता है। तो इतना बड़ा ग्रोथ है, साथ ही साथ आपको इसमें डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। उससे भी बड़ी बात है कि ये आपकी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा का मैनेजमेंट का विश्वास आपके साथ है, क्योंकि सबसे पहला जो काम है वो मैनेजमेंट का होना चाहिए, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अच्छा है तभी वो आपको आगे पहुंचा सकता है, मतलब आपको ग्रोथ दिला सकता है। और ये कंपनी जो है भारत की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा के बहुत सारी कंपनियां जो कि काफी ओल्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बोनस कितना दिया है। तो देखते हैं बोनस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार बोनस हुआ। साथ ही साथ ये बोनस के साथ साथ आपको क्या क्या है, स्टॉक स्प्लिट भी किया है, बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी। तो बोनस भी दिया है साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी किया है। तो चलिए स्टॉक स्प्लिट आपको हम दिखा देते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कब कब हुआ है। यहाँ पर आप जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे देखें कब कब बोनस दिया है, कब कब स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाना होता है, कॉर्पोरेट एक्शन में गए, स्प्लिट पर क्लिक कीजिए, स्प्लिट देखिए 100 से 10, मतलब 10 बार बोनस ये भी होगी आपका। डायरेक्ट फेस वैल्यू 100 से 10 हुआ तो आपको 10 शेयर फ्री मिलेगा, मतलब आपका शेयर जो है 10 गुना हो जाएगा। दो आपका शेयर 10 गुना, अगर एक शेयर है तो 10 गुना हो जाएगा उसी रेशियो में, तो 9 शेयर फ्री मिलेगा। और साथ साथ इतना बार बोनस, 6 और 7, 6 बार आपको बोनस भी दिया गया है और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, मतलब आप 1000 शेयर बाय किए होते इसमें तो 36000 शेयर आपका हो जाता, मतलब 36 गुना आपका शेयर भी हो गया। साथ साथ इसमें डिविडेंड आपको इतनी शानदार है कि नहीं कहिए, डिविडेंड इतनी शानदार। जो सबसे पहला हमने बताया था डिविडेंड वाला स्टॉक, आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए, उससे ज़्यादा डिविडेंड कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको नहीं देती है। उसके बाद दूसरा जो कंपनी है प्राइवेट में, जो उस कंपनी के बाद सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है, वो है टाटा स्टील। ये आपको देख सकते हैं 2008 में 200%। तो इसका स्प्लिट देख लीजिए, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 200 का डिविडेंड, 200%, मतलब 20 रुपया डिविडेंड। तो 300 का स्टॉक्स 20 रुपया डिविडेंड, बोनस भी काफ़ी बेहतरीन, आपके 1000 शेयर को बनाया 36000, और डिविडेंड लगभग हर साल देती है। देखते हैं 19 में 18 में 17 में 16 में, तो कोई भी वैसा साल नहीं गया है जब ये डिविडेंड आपको नहीं दिया हो। तो डिविडेंड भी जो है काफ़ी अच्छा, बोनस भी काफ़ी अच्छा, और साथ ही साथ जो आपका मैनेजमेंट है, आपका जो विश्वास है, वो भी काफ़ी अच्छा। और इसमें देखिएगा डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी हाई है, आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखाते हैं, ऐसे स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए 68%, बहुत सारे ब्लू चिप कंपनियों में 68% डिलीवरी परसेंटेज नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इसमें 68% डिलीवरी परसेंटेज क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है, और साथ साथ टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा का विश्वास है लोगों के पास, तो इसलिए आपको ये इतनी ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज इसमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप देख लीजिए, 37000 को लार्ज कैप कंपनियां हैं, तो आपने सारे चीज देख लिया, फाइनेंशियल भी तब देख लीजिए। तो फाइनेंशियल यहाँ पर देख लेते हैं, तो कंपनी का जो बिजनेस है काफी, मतलब ये कंपनी रिप्यूटेड कंपनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो इसका डाउन साइकिल चल रहा है, थोड़ा सा सेल्स में कम हुआ है, तो क्योंकि ये साइकिल चलता है, जैसे बूम आएगा मेटल सेक्टर में वैसे ये कंपनियों का भी साइकिल जो है अप हो जाएगा। तो बूम जैसे आएगा, मतलब मेटल हमारा स्टील का कारोबार का, जैसे स्टील का डिमांड बढ़ेगा, माइनिंग बढ़ेगा, और इस कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देख सकते हैं प्रॉफिट में लगातार देखते हैं कि यहाँ कंपनी नेट प्रॉफिट जो है वो घाटे में जा रही है 2 क्वार्टर से,
देखते हैं, दो क्वार्टर से कंपनी क्या कर रही है, नेट लॉस पेश कर रही है। तो जैसे ये प्रॉफिट में जाएगा तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी बेहतरीन कमाई करेगा, क्योंकि इसका एक साइकिल चलता है। जब स्टील का डिमांड बढ़ता है तो उस समय इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो अप साइकिल होता है इन कंपनियों का, और फिर एक बार डाउन साइकिल। तो अप साइकिल में जाएगा तो समझ सकते हैं आपको कितना ज़्यादा डिविडेंड पे करेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये डाउन साइकिल में है। तो फिर अप साइकिल चलेगा 2-4 साल तो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड और ज़्यादा आपको पे करेगा, मतलब जितना आप एफडी पर ब्याज नहीं लेते हो उससे ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी। साथ साथ ये 300 रुपये का स्टॉक में 800 रुपये तक जाने का पोटेंशियल है, तो आप चाहते हैं तो 800 रुपये से एग्जिट कर जाइए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहना है तो फिर बोनस का फ़ायदा लीजिए, डिविडेंड का फ़ायदा लीजिए। तो सारी अपॉर्चुनिटी इसमें है, आप यहाँ से 100% 200% का रिटर्न लेकर के भी वापस आ सकते हैं, मतलब एग्जिट हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, तो बोनस का भी फायदा लेंगे। स्टॉक स्प्लिट भी होना बाकी है क्योंकि फेस वैल्यू इसका 10 है, तो वो भी एक तरह से आपके लिए बोनस के जैसा काम करेगा। फेस वैल्यू 10 का स्टॉक है, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिल रहा है मात्र 300 रुपये में। और कंपनी के पास थोड़ा डेप्ट भी है, तो सारी चीज़ आपको देखना है, क्योंकि कोई भी पैरामीटर छूटना नहीं चाहिए। रिजर्व कंपनी के पास 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ का है, और डेप्ट कंपनी के पास 39,000 करोड़ का है। तो कंपनी के पास जो डेप्ट है वो कम है, रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। केस और बैंक बैलेंस देखिएगा तो 1200 करोड़ का केस और बैंक बैलेंस है, तो हर चीज़ काफ़ी अच्छा है। और बुक वैल्यू देख लेते हैं कंपनी का, देखते हैं बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, 670 का बुक वैल्यू हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन बुक वैल्यू है कंपनी का। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए अब हम इसके शॉर्ट टर्म चार्ट को दिखाएंगे, फिर आपको हम लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएंगे, क्योंकि चार्ट देखना मतलब टेक्निकली इसको देखना काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तो हमने फंडामेंटल्स रूप में देखा, सिर्फ फंडामेंटल्स को देखने से आप जो है एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक को नहीं बाय कर सकते। तो फंडामेंटल्स के साथ साथ आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना पड़ेगा कि चार्ट इसका क्या कहता है, कि हमें अभी बाय करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये देखते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर, यहाँ पर बात करेंगे लेवल का, सपोर्ट का। और यहाँ पर जो आप देखते हैं चार्ट, ये जीरोधा में हम देखा करते हैं। अगर आपने जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। फ्री डिलीवरी आप स्टॉक्स पे ले सकते हैं, मतलब जब स्टॉक बाय करते हैं डिलीवरी के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता, सिर्फ ट्रेडिंग में 20 रुपया पर ट्रेड आपको लगता है मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम। उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं तो देखते हैं ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, जिससे स्टॉक्स काफ़ी नीचे है। जैसे ये 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो समझ जाइए इसमें आपको अपसाइड इतनी तेज़ी देखने मिलेगी, इतनी तेज़ी जितनी आपने कभी तेज़ी नहीं देखी होगी। तो अपसाइड इसमें जो पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है, और जो डाउन साइड इसका है वो काफ़ी लिमिटेड है। डाउन साइड की बात करें तो फर्स्ट इसका सपोर्ट जो आपको बनता है वो फर्स्ट सपोर्ट आपको बनेगा 315 रुपीज के आसपास। पहला सपोर्ट इसको 315 रुपीज के आसपास मिलेगा। दूसरा जो सबसे मेजर सपोर्ट है वह है 300 इसका पहला मेजर सपोर्ट हुआ, मतलब एक छोटा मोटा सपोर्ट कहें तो हमारा 315 रुपये के आसपास है, और जो मेजर सपोर्ट है पहला वो है 300। अगर ये 300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तब फिर आपको ये बहुत ही नीचे आ जाइए 370 इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर देखते हैं 370 के पास ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, फिर आया है, ऊपर गया है, मतलब 370 इसके सपोर्ट का काम किया है। और यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिया तो ये डायरेक्ट 350 के लेवल को टच किया, वहाँ से फिर से एक बार 300 के लेवल पे आया, और फिर यहाँ पर देखते हैं ये 300 के लेवल से अभी ऊपर चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट में करेक्शन आता है तो ये आपको 300 के प्राइस के आसपास मिल सकता है, तो आप करेक्शन का थोड़ा वेट कर सकते हैं, 300 के लेवल के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि साल 2-3 साल का आपका यहाँ पर जो व्यू होना चाहिए इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। साथ ही साथ बात करें इसमें काफ़ी वॉल्यूम देख सकते हैं, जब जब गिरावट आया है इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, वॉल्यूम बाइंग काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जब जब स्टॉक में देखते हैं यहाँ पर काफ़ी गिरावट था तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी ली गई है, 68% डिलीवरी है इस स्टॉक में। RSI की बात करें तो RSI अभी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी 58 का RSI है जो कि लगभग न्यूट्रल माना जाता है। और वहीं बात करें तो ओवर सोल्ड होने का सिग्नल यहाँ पर दिया था, 12 मार्च को ही दे दिया था, यहाँ पर आप इसमें इंटर कर सकते हैं इस स्टॉक में, फिर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। देख सकते हैं ओवर बाउट होने का सिग्नल यहाँ पर आपको दिया था,
तो हर समय देखते हैं सिग्नल काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। जब इस स्टॉक में ओवर सोल्ड होने का सिग्नल आया, वहाँ से धीरे धीरे स्टॉक्स अप मूव किया, यहाँ ओवर सोल्ड होने का सिग्नल, ओवर बाउट होने का यहाँ पर सिग्नल मिला, तो स्टॉक में धीरे धीरे फिर से करेक्शन आया। तो इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें सिग्नल जनरेट होता है, इसीलिए कहते हैं आप जीरोधा का अकाउंट ओपन कीजिए, इसमें आप अच्छे चार्ट भी देख पाएंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये स्टॉक्स कैसा दिखता है। तो ये देख सकते हैं, ये हम टाटा स्टील का जो चार्ट है वो ओपन किया है, यहाँ पर हम इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे। वन डे में आप देखते हैं 3 रुपीज ये अप है, मतलब 1% अप है। वन मंथ में आप देखेंगे तो वन मंथ में लगभग न्यूट्रल है। सिक्स मंथ में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर यह स्टॉक्स मिल रहा है, देखते हैं 500 से भी ऊपर का प्राइस था, अभी आपको काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है। वन ईयर की बात करेंगे तो वन ईयर में देखते हैं, वन ईयर में काफी बार इसमें नीचे आया है और फिर से ऊपर का मोमेंटम इसमें देखने मिला है। फिर 5 ईयर्स की चार्ट की बात करें तो 5 ईयर्स में देखते हैं आपको 5 ईयर्स के प्राइस पर मिल रहा है। 5 ईयर्स में यह बहुत ही कम का रिटर्न दे रहा है, मात्र 25% का। लेकिन मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करें, जिस चार्ट को हम देखने की बात शुरुआत में किए थे, देखते हैं ये इसमें जब आप साइकिल होता है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देता है। फिर इसमें एक डाउन साइकिल आता है, डाउन साइकिल में देखते हैं स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आता है, फिर यहाँ पर अप साइकिल और फिर से यहाँ पर देखते हैं डाउन साइकिल। तो जो मेटल इंडस्ट्री है, जो माइनिंग सेक्टर है, उसमें काफ़ी अप साइकिल और डाउन साइकिल देखने मिलता है। फिर यहाँ पर अप साइकिल, फिर यहाँ पर देखते हैं डाउन साइकिल, फिर यहाँ पर अप साइकिल, फिर यहाँ पर देखते हैं डाउन साइकिल। तो काफ़ी अप साइकिल, डाउन साइकिल, अप साइकिल, डाउन साइकिल इसमें देखने मिला है। तो आप इस स्टॉक में अभी जो ये डाउन साइकिल में है तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अप साइकिल में इसको सेल कर सकते हैं और यहाँ से एक ह्यूज प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे है डाउनवर्ड इसका काफ़ी लिमिटेड है और अप साइड काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके जाने का। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तब जाकर के आप इसमें एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करके एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बता दें, ये सारे वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपना जो रिसर्च जरूर करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। साथ ही साथ आपका रुपया है आपका अपना रिस्क है और आप जब इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर जिम्मेदारी खुद लेंगे। यह वीडियो मेनली एजुकेशनल पर्पस से था, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कि अगर आपको डिविडेंड अच्छा चाहिए, साथ ही बोनस शेयर भी चाहिए और साथ साथ जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो ग्रुप है मतलब जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतरीन चाहिए, तो ये स्टॉक्स आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है और अच्छे प्राइस पर आपको अभी मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा, तो इसको आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।